एक जबरदस्त लुक के साथ यहाँ पर बाइक निकाली है। क्या बाइक है, देखो देखने में कितनी जबरदस्त लग रही है यार। वह सामने है ऐसी कमाल की बाइक जो कि 125 सीसी में आती है, और देख सकते हैं जो कि है होंडा की SP125, जो कि मतलब इस सेगमेंट की बेसिकली लगती नहीं है, एक स्पोर्ट बाइक लगती है प्रॉपर। लुक्स की वाइज लुक्स वाइज अगर बात करें ना भाई, लुक्स तो लिटरली अमेजिंग है, आप देख के शौक हो जाएंगे। अगर फ्रंट से अगर हम इसको देखें ना भाई, 1% भी ऐसा नहीं लगता ये 125 सीसी की बाइक है। देखने में सामने से बिल्कुल ऐसा लुक नज़र आता है कि भाई बाइक जो कम से कम 150 सीसी की या फिर 180 सीसी की बाइक होगी, कुछ तरह का लुक है। देखो सामने से ना लुक थोड़ा लुक उस तरह का आता है जिस तरह की हंक आती थी। ये न्यू बाइक है, जस्ट अभी 2 दिन इसको लाए हुए हैं, तो ऐसे में हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे में आप सोच रहे हो एक अच्छी बाइक लेने का जिसमें आपको पावर भी मिले, लुक भी मिले और माइलेज भी मिले, तो ऐसे में सब चीज़ का एक कॉम्बिनेशन है। प्राइस जो ठीक ठाक होने वाला, अच्छा खासा प्राइस, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई होने वाला। ऐसे में आप नॉर्मल बाइक लेने जा रहे हैं उसमें 20,000 रुपये ऐड करके आप इस बाइक को जो ले सकते हैं। अगर आप सस्ती बाइक लेने जा रहे हैं उसमें 20,000 ऐड करेंगे तो ये बाइक जो उस रेट में जो आपको मिल जाएगी। होंडा के जो डिज़ाइनर है वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं अगर हम हीरो से। हीरो के जो डिज़ाइनर हैं, जो हीरो की सुपर स्प्लेंडर आ रही हैं, उनसे मतलब कंपेयर कर ही नहीं सकते हम इसको। मतलब जो इस एक तो स्प्लेंडर प्लस है वो तो यूनिवर्सल मॉडल हो गया है, फिर कहें एवरग्रीन मॉडल हो गया, लेकिन जो सुपर स्प्लेंडर है वो नया मॉडल तो लिटरली बेकार कर दिया। पैशन का मॉडल भी बहुत बेकार कर दिया, वहीं यहाँ पर ग्लैमर का मॉडल भी बेकार कर दिया। वहीं इस मॉडल की बात करें जो कि होंडा ने मतलब एक जबरदस्त लुक के साथ यहाँ पर बाइक निकाली है। क्या बाइक है, देखो देखने में कितनी जबरदस्त लग रही है यार। मतलब अगर आप इस चीज़ को भूल जाएं, सामने लिखाना SP125 CC, इसे भूल जाओ तो भाई साहब आप कह ही सकते हैं जो ये 125 सीसी की बाइक है। और फीचर्स भी बड़े कमाल के, तो डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में, इस बाइक के बारे में। क्योंकि देखो ऐसा है बाइक जो, ऐसा नहीं कि आप जल्दी ले लें और उसको तुरंत ही चेंज कर लें, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में बजट है कम, मतलब बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप एक अच्छी बाइक जिसमें अच्छी खासी पावर मिल जाए और आपको अच्छा खासा लुक्स मिल जाए, लुक्स तो आप देख ही रहोगे खैर फिलहाल, तो मतलब ये बाइक जो वो बाइक है। डिज़ाइन लिटरली काफ़ी अमेजिंग है, मतलब किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया डिज़ाइन के साथ। टंकी पे जो इन्होंने यहाँ दे दी ना ये पंख टाइप के, वो काफ़ी जबरदस्त लग रहे हैं। यहाँ पर बैजिंग दे दी होंडा की, और यहाँ पर साइड वाले जो पैनल हैं वहाँ पर SP125, जो ग्राफिक्स है ना वो लिटरली काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पर जो पीछे की साइड का ये काउल है और ये पीछे का गार्ड है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर लग रहा है। और बैक साइड से देखने पर भी जो बाइक काफ़ी ज़बरदस्त लुक के साथ नज़र आती है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार लोग क्या करते हैं फ्रंट अच्छा बना देते हैं तो बैक बेकार बनाते हैं, तो ऐसा यहाँ पर जो किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर दिख नहीं रहा, क्योंकि डिज़ाइनर के थोड़ी सोच भी रहती है, कई बार ऐसा रहता है कि उसको चीज़ें समझ में नहीं आती तो उस केस में ऐसा हो जाता है। वहीं दूसरी साइड यहाँ पर देख सकते हैं साइलेंसर है, साइलेंसर के ऊपर यहाँ पर ये कवर यहाँ पर दिया है। हम देसी टाइप की यहाँ पर जो एक रिव्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। और वहीं यहाँ पर इस साइड में देख सकते हैं जो यहाँ पर मैट फिनिश में इंजन मिल जाता है, स्पार्क प्लग है, सिंगल स्पार्क प्लग ही है, और यहाँ पर किक मिल रही है इसमें 125 सीसी में, तो खैर मिल ही रही है। और यहाँ पर ये अलग से यहाँ पर ये कवर मिल गया जो इसके लुक को एनहेंस कर रहा है, डिज़ाइन वाइज भी और प्रोटेक्शन वाइज तो है ही है। और जो ये साइड में जो पंख है ना, दोनों साइड में इस तरह के एज नीचे की तरफ टंकी के ऊपर ये तो है ही है, और ये वाला पोर्शन भी अलग से यहाँ पर ऐड किया गया जो कहीं ना कहीं इसको ये कवर कर रहा है। ऑलराइट, क्योंकि अदरवाइज जो लैग गार्ड जो यहाँ पर काफ़ी नीचे है, जिस वजह से इस चीज़ को यहाँ पर ये लगा दिया, तो इससे अच्छा बंद बंद सा लग रहा है। मतलब वहीं आगे की ओर देख सकते हैं यहाँ पर 100 रुपये साइड में ये इस तरह का ये एक रिफ्लेक्टर दे दिया जो दोनों साइड में, जो कि BS6 II में आ ही रहा है। बोले टायर के साइज़ की अगर बात करेंगे, सब चीज़ की बात करेंगे, 100 तो खैर ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं कि मतलब 100 में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊं, 100 तो किसी भी गाड़ी के ठीक ठाक ही रहते हैं। जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है बाइक के पावर के साथ में और डिज़ाइन के साथ में ही होता है, तो वैसा यहाँ पर किसी तरह का कुछ देखने को नहीं मिलता है। मतलब लुक्स वाइज डिज़ाइन वाइज काफ़ी जबरदस्त बाइक यहाँ पर मुझे लगी ओवरऑल। और फ्रंट में जो कॉम्ब्री ब्रेक मिल ही जाते हैं इसमें आगे डिस्क ब्रेक वाला मॉडल भी आता है जो कि 4500 रुपये ऐड करके और आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये कॉम्बी ब्रेक है, इंजन पे एक यहाँ पर ये कवर टाइप का अलग से यहाँ पर दिया है ना, जो कि फाइबर का लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर भाई साहब जो स्टैंड है, स्टैंड में यहाँ पर ये स्टैंड ऑन होगा, मतलब स्टैंड ओपन होगा तो बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा यहाँ पर गियर शिफ्ट भी मिल जाता है इसमें, सेंसर लगे हुए हैं, गियर जो भी डालेंगे उसका पता लग जाएगा। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर ये साइड वाली एसेसरी जो इसके साथ में मिलती है, ये भी काफ़ी डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। केबल और केबल इसमें लोहा नहीं है, लोहे के साथ ये फाइबर वाला पार्ट भी ऐड करा है जो कि लुक को कहीं ना कहीं एनहेंस जरूर कर रहा है यहाँ पर। और जो सोकर है, सोकर में ये रेड कलर का अलग से स्प्रिंग दिया है,
बेसिकली सोकर हो सकता था, ये ब्लैक कलर में पूरा निकाल देते तो इतना प्यारा नहीं लगता। तो ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर लग रहा है। अब देखो बेसिक फीचर्स की तो बात हम करेंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो सीट है आप यहाँ इसे ओपन कर सकते हैं, ये देख रहे हो यहाँ पर ये स्विच दिया इन्होंने, जैसे कि आप इसमें लगाएंगे और इसको ना ओपन कर सकते हैं। और जैसे मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ इस तरह से, और इस तरह से जो सीट जो बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगी, देख सकते हैं सीट यहाँ पर बाहर आ चुकी है। और फिर से लगाना हो तो सीट को इस तरह से दबा देंगे, सीट फिर से लग चुकी है। सो गाइस जैसे कि ये 23 मॉडल है, 2023 मॉडल है, तो ऐसे में E20 के साथ सभी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ऐसे में ये E20 के साथ आती है। और ऐसे में E20 फ्यूल जो है वो आप जो इस बाइक में यूज़ कर पाएंगे, मतलब E20 करके स्पेशल एडिशन है। यहाँ पर टायर साइज की अगर बात करें मैं आपको बता देता हूँ, टायर यहाँ पर देख सकते हैं 80/100 का ये टायर है और 18 इंच का जो व्हील का साइज है यहाँ पर, तो 18 इंच वाला टायर है। और मैं आपको बता दूँ जहाँ यहाँ पर टायर है ना, टायर को यहाँ पर अपग्रेड जरूर किया गया है, ऐसे में आपकी जो बाइक है और भी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा टायर को ना थोड़ा सा वाइड यहाँ पर जरूर किया गया, टायर का साइज़ है यहाँ पर 180 और जो 18 देख सकते हैं, टायर का साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ फिर से 180 18, जैसे मैं जो टायर को थोड़ा सा वाइड कर दिया है। पल्सर जो अपाचे आती है अपाचे 180 वाला साइज़ दे दिया, हालांकि उसमें 17 इंच का व्हील आता है, इसमें 18 इंच का व्हील है, तो इसमें हाइट तो इसकी ज़्यादा हाई है, लेकिन हाँ थोड़ा टायर थोड़ा वाइड हो गया ना, जिससे बाइक की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी हाई स्पीड में, आप जो अगर कर्व वगैरह करते हैं ना तो बाइक जो जल्दी से स्लिप नहीं होगी, ये चीज़ यहाँ पर जो ज़रूर हो गई है। टैंक फ्यूल कैप इस तरह का, जिस तरह का नॉर्मल सभी बाइक में आ रहा है कॉमन सा फ्यूल टैंक है, ये काफ़ी सही भी लगता है यहाँ पर। और वहीं अब बात करते हैं इसके मीटर की, भाई जो डिस्प्ले है ना यहाँ पर ये डिजिटल डिस्प्ले है, इसमें इंफॉर्मेशन जो बहुत कुछ देखने को मिलता है यहाँ पर, न्यूट्रल इको फ्यूल मीटर है यहाँ पर, टाइमिंग आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो कितने किलोमीटर चल चुकी है वो देख सकते हैं, और स्पीड तो दिखाता है यहाँ पर गियर शिफ्ट भी दिखाता है, यहाँ पर फिलहाल जो दिखा रहा है न्यूट्रल दिखा रहा है, और जैसे यहाँ पर मैं गियर डालता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट दिखाएगा, देखना तो यहाँ पर ये फिलहाल जो फर्स्ट दिखाने लगा है, अब मैं डालता हूँ सेकंड तो सेकंड यहाँ पर दिखाएगा, थर्ड डालूँगा तो थर्ड दिखाएगा, इस तरह से मतलब बेसिकली ये दिखाता है। तो ऐसे में आपको गियर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार क्या होता है बाइक चलाते हुए या गाड़ी को चलाते हुए हम भूल जाते हैं कौन से गियर में हमारा व्हीकल है, तो ऐसे में इसमें ये जो हेल्प ज़रूर करने वाला है। और दूसरा यहाँ पर ग्रीन लाइट चलती है जब भी आप इको मोड में चलते हैं, चाहे वो कम स्पीड पर चले चाहे ज़्यादा स्पीड पर चले, ऐसा नहीं कि जो पहले जो एनालॉग मीटर आते थे उसमें सुई ग्रीन पे रहेगी तो उतने में ये जो डिट वो रहता था, जैसे मैं इसका माइलेज भी यहाँ पर जो डेफिनेटली बढ़ा इस वजह से रिसर्च करके और अच्छे से डिज़ाइन किया गया इंजन को खास तरह की टेक्निक से, तो जो बाइक का माइलेज यहाँ पर 65 का दे भी देती है ऐसे में। और वहीं इस साइड में दिखा देता हूँ, इस तरह के ये स्विच मिल जाता है इंडिकेटर का, ये हॉर्न का बटन मिल जाता है, और यहाँ पर जो ये बटन है यहाँ पर जो हाई बीम का लो बीम का, बेसिकली इसको आप स्ट्रेट रखना चाहता है आगे रखना चाहता है, इस तरह दबा के रखेंगे तो ऐसे में नॉर्मली ये जो लाइट है आगे की तरफ झुकी रहेगी, बेसिकली जो फोकस रहेगा थोड़ा आगे नीचे की तरफ रहेगा। भाई आप इसको खोल देंगे आगे तरफ तो लाइट बिल्कुल सीधी हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ आपको नॉर्मल रखते हैं इस चीज़ को इस तरह से, तो क्या होता है कि लाइट आगे तरफ झुकी रहेगी पास देने के लिए, आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो लाइट यहाँ पर जलेगी, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, तो वो दिख नहीं रही है लाइट जल रही है ना, बट यहाँ पर जरूर दिख रहा होगा, देखो ब्लू लाइट जल रही है ना तो सीधी हो जा रही है। लाइट की अगर बात करें यहाँ पर जो हेडलाइट है वो LED लाइट है यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा साइन यहाँ पर करती है, मतलब डिस्प्ले बहुत ज़्यादा इसकी ब्राइट है, और सेट उसको यहाँ से करते हैं, बेसिकली यहाँ से जो सेट किया जाता है इसको कम ज़्यादा करना है, बेसिकली सीधा करना डाउन करना यहाँ से कर सकते हैं, इतना सिंपल सा बटन यहाँ पर दिया है। इंडिकेटर में खैर हेलोजन बल्ब भी मिल जाते हैं, और पीछे की साइड में बैक साइड में भी यहाँ पर जो लाइट कौन सी मिलती है इसके अंदर पीछे जो नॉर्मल बल्ब मिल जाता है, LED लाइट पीछे नहीं मिलती। अब मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन देख रहे हो ना, इसमें जो दाने दाने से बने हुए ना, इससे फील ऐसा आ रहा है जैसे कि LED लाइट हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसके अंदर LED लाइट नहीं है, एक हेलोजन बल्ब लगा हुआ जो दिखने में बिल्कुल यहाँ पर LED लाइट की तरह यहाँ पर लगता है। सो गाइस यहाँ पर साइड में इस तरह के बटन मिल जाते हैं, बेसिकली यहाँ पर सिंगल बटन है, यहाँ पर करंट ऑफ का करंट ऑफ हो जाएगा इस वक्त, और यहाँ पर जो नॉर्मल हो जाएगा स्टार्ट करने के लिए, सिंपल आपने इसको प्रेस कर देना और जो वहाँ पर गई गाड़ी यहाँ पर जो स्टार्ट हो गई, जैसे मैं इसको दबाता हूँ, और भाई आवाज़ देखिए कितनी प्यारी आवाज़ है, अगर मैं यहाँ पर एक्सलेट करता हूँ ना काफ़ी ज़बरदस्त आवाज़ है, किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन या फिर नॉइज़ यहाँ पर फील नहीं हो रही, या फिर जो बाइक जो आवाज़ है गाड़ी की मतलब
वो इरिटेटिंग वाली वो आवाज़ नहीं है इंजन का जो साउंड है, तो इसमें वो मुझे काफ़ी सही लगा यहाँ पर। इंजन का जो साउंड है यहाँ पर काफ़ी जबरदस्त कर दिया। ऐसा नहीं है कि होंडा साइन की तरह कर दिया, जो पुरानी होंडा साइन आती थी या फिर जो नई जो ड्रीम आती थी उसकी तरह कर दिया, तो उनके बीच का साउंड रखा, तो एक खास तरह की जो इंजन का जो साउंड में एक वाइब्स होती है ना वो फील होती है। बेसिकली यहाँ पर BS6 टर्म्स में क्या करा, इंजन को और भी रिफाइंड कर दिया है, तो मतलब स्मूथ के साथ साथ आवाज़ भी आपकी प्यारी है रखी यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आवाज़ को बिल्कुल ही यहाँ पर शांत कर दिया है, मतलब ज़बरदस्त साउंड है। मतलब आप सुनेंगे ना, जब आप बाइक ले जाएंगे आप स्टार्ट करके देखिएगा, लिटरली मज़ा आने वाला। सो गाइस, अगर इसके प्राइस की बात करें, यहाँ पर जो हमें पड़ी है उत्तराखंड हरिद्वार में, जो 1,04,000 की पड़ी है। फ्रंट में इसमें डिस्क ब्रेक नहीं आता है, तो तब जाके 1,04,000 की पड़ी। वहीं डिस्क ब्रेक के साथ अगर हम इसको लेते 1,85,000 जो बाइक यहाँ पर पड़ जाने वाली थी, 4,500 रुपये और देने पड़ते, बट 1,04,000 की ये बाइक जो हमें यहाँ पर पड़ी है उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर। ऐसे में आप स्टेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके बता देना किस स्टेट से आप वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। आपको अगर प्राइस जाना है तो उसके ऊपर मैं कमेंट में आपको बता दूंगा रिप्लाई करके, जो वहाँ पर आपको कितने की ये बाइक पड़ने वाली डिस्क में और विदाउट डिस्क में। आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा कोई फीचर्स यहाँ पर हमने मिस अगर कर दिया हो, और या फिर आपको जो लुक्स वाइज ये बाइक कैसी लगी। देखो टायरों के यहाँ पर मैंने साइज़ तो बता दिया, बट कंपनी नहीं बताई यहाँ पर आता है इसके अंदर। ये MRF का जैपर टायर आते हैं इसमें। अगला वाला MRF का नॉर्मल है, पिछला वाला MRF का जैपर टायर है, जो मैं कंपनी बताने यहाँ पर भूल गया था। तो ऐसे में आप लोगों को कैसी ये बाइक लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आई फिर तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर कर दें दोस्तों, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब।